क्या भक्ति पर किसी के इस तरह की पाबंदी लगाई जा सकती है? क्या किस तरह के कपड़े पहनकर एक लड़की या एक महिला किसी पंडाल में पूजा के लिए पहुंचेगी, इस पर नजर रखी जाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल है जो नैतिकता के इन ठेकेदारों पर खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल कोई पहली बार नहीं उठा है, क्योंकि इस तरह से हमने देखा है हमेशा देश के कई हिस्सों में इस तरह की नैतिक पहरेदारी करने की कोशिश कुछ संगठनों ने करने की देखी है, कोशिश की है। गणपति मंडल का तुगलकी फरमान, छोटे कपड़े ना पहनकर आए लड़कियां, स्कर्ट की लंबाई पर निर्भर होंगे दर्शन, स्लीवलेस कपड़े पहने तो लौटना पड़ेगा बिना दर्शन। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। देश का कॉस्मोपॉलिटन शहर कही जाने वाली मुंबई में भी लड़कियों के कपड़ों को लेकर जारी हुआ है एक तुगलकी फरमान। अंधेरीचा राजा मित्र मंडल का कहना है कि जो भी लड़कियां छोटे कपड़ों में गणपति के दर्शन के लिए आएंगी, उन्हें गेट पे ही रोक दिया जाएगा। मंडल के पदाधिकारियों ने बाकायदा इसके लिए गार्ड्स को भी निर्देश दिए हुए हैं कि कौन से कपड़े छोटे हैं जिनमें आ रही लड़कियों को अंदर नहीं घुसने दिया जाए, और कैसे कैसे कपड़े पहने लड़कियों को दर्शन की इजाजत दे दी जाए। कपड़ों की ये बंदिश सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, ये बंदिश लड़कों में भी लागू होगी। करता साया तेरा, 13 साल के ऊपर का लड़का या लड़कियां जो घुटने से ऊपर जो भी ड्रेस पहन के यहाँ पर आएगा, उनको यहाँ पर रुकाएंगे। जिसकी रखवाली यारे। मंडल के प्रबंधकों का तर्क है कि अक्सर लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनकर आती हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानो मॉडल रैंप पर कैटवॉक करने निकली हो, और लड़कियों के छोटे छोटे कपड़ों से दर्शन करने आए दूसरे भक्तगण विचलित हो जाते हैं, इसलिए बड़ी मजबूरी में उन्होंने ये फैसला लिया है। अगर आप गोल्डन टेम्पल जाते हैं तो वहाँ भी ड्रेस कोड है, अगर आप वेटिकन सिटी जाते हैं तो वहाँ भी, अगर आपको भगवान के पास मंदिर में जाना है, चर्च में जाना है, तो आपको वहाँ पे ड्रेस कोड लागू है, और या तो घुटने के ऊपर के कपड़े को बंदी होना चाहिए। इतना आह्वान करने के बाद भी लोग नहीं समझते तो हम लोग रोकेंगे। ऐसे वस्त्र पहन के मत आइए जिससे बाकी के लोग विचलित हो। मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले साल एक चर्चित मॉडल काफी छोटे कपड़े पहनकर बप्पा के दर्शन के लिए आई थी, जिससे लोगों में काफी गुस्सा था। इस बार कोई ऐसी घटना ना घटे, इसलिए उन्होंने पहले से ही यह आदेश जारी कर दिया है। अंधेरी का राजा मुंबई का बहुत पुराना और प्रसिद्ध गणपति मंडल है, हर साल यहाँ कई फिल्मी सितारे आते हैं और दर्शन भी करते हैं, लेकिन कपड़ों को लेकर निकला ये फरमान काफी लोगों के गले नहीं उतर रहा। करीब 250 वॉलंटियर्स, उसमें महिला कर्मी, चारों तरफ से सीसीटीवी का पहरा, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी ने कुछ अश्लील तो नहीं पहना, किसी के कपड़े विचलित करने वाले तो नहीं, कहीं कुछ गंदा तो नहीं, कहीं कुछ भद्दा तो नहीं। संस्कृति के नाम पर यह हास्यास्पद फैसला तो ले ही दिया गया है, जिसे आप सबको अपने जहन में रखना ही पड़ेगा जब आप गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। यानी दिल में श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी याद रखें कि घुटने और आस्तीन ढके हुए हो। कैमरा पर्सन स्वप्निल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।